everyone, welcome back to my channel. It's me Pragya, and in today's video I am going to share with you the review of this product. So this is the Neem and Tulsi's face scrub from Good Vibes. So in this video I will share all the details about this product and how it works on me and whether I will recommend you to buy this or not. So please keep on watching this video till the end, and without any further delay, let's quickly jump into the video. स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ना अगर मेरा कोई फेवरेट पार्ट है तो वो है फेस स्क्रब, बिकॉज मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि मेरा ऑयली स्किन है और मतलब टी जोन तो मेरा बहुत ही ऑयली है, तो मुझे फेस स्क्रब करना बहुत ही अच्छा लगता है और मेरा स्किन बहुत ही स्मूथ एंड सफल फील करता है आफ्टर आई डू माई फेस स्क्रब। तो मैं हफ्ते में एक या दो बार ही फेस स्क्रब करती हूँ, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज अगर आप ज़्यादा स्क्रबिंग करोगे अपने फेस या बॉडी पार्ट्स को तो आपका ब्रेकआउट होने का चांसेस है और मतलब स्किन खराब हो जाता है अगर मैं सीधे बात में कहूँ तो। तो आपको मैक्सिमम 2 times a week अपने फेस को या हाथ या पैरों को स्क्रब करना चाहिए। और अगर आप वैक्सिंग कर रहे हो या फिर एपिलेट कर रहे हो या फिर कुछ भी हेयर रिमूवल प्रोसेस आप कर रहे हो तो उसके पहले आपको डेफिनेटली अपने हैंड्स और लेग्स को स्क्रब करना चाहिए। तो अगर आप नहीं करते हो तो आप नोटिस करोगे कि आपके स्ट्रॉबेरी लेग्स हो जाता है, तो विच इज़ नॉट राइट, मतलब इनग्रोन हेयर का प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए अगर आप कोई स्क्रब यूज़ करते हो, कोई भी स्क्रब आप यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, तो आप डेफिनेटली स्क्रबिंग करो और उसके बाद ही वैक्सिंग या एपिलेट करो, तो आप देखोगे कि आपका जो इनग्रोन हेयर का प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली चला जाएगा। और वैक्सिंग के बाद भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करना, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये जो फेस स्क्रब है ये गुड वाइब्स का है और ये नीम एंड तुलसी वेरिएंट है, और इसका और भी बहुत सारा वेरिएंट अवेलेबल है, और मैंने ये वाला वेरिएंट लिया था। और गुड वाइब्स का और भी मतलब 2-3 scrub है मेरे पास, तो ये वाला जो वेरिएंट है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और दो दूसरा वेरिएंट है वो भी अच्छा ही है, लेकिन मैंने सोचा कि इसका रिव्यू मैं सबसे पहले कर देती हूँ क्योंकि ये नीम एंड तुलसी वेरिएंट है विच इज़ रियली गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड स्पेशली फॉर सेंसिटिव एंड एक्नी प्रोन स्किन। तो नीम एंड तुलसी जो है वो एक्नी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो ये जो स्क्रब है मुझे काफ़ी अच्छा लगा गाइस, क्योंकि मैंने आज तक बहुत सारा स्क्रब यूज़ किया है लेकिन गुड वाइब्स का स्क्रब मुझे मतलब सबसे बेस्ट लगा जितना भी स्क्रब्स मैंने यूज़ किया है आज तक। मतलब सीरियसली गाइस, ये बहुत ही अच्छा वाला स्क्रब है, बहुत ही स्मूथ है, फ्रेग्रेंस ज़्यादा नहीं है, तो अगर आप फ्रेग्रेंस सेंसिटिव हो तो आपको कोई भी इरिटेशन नहीं होगा इसके फ्रेग्रेंस से। तो फ्रेग्रेंस अच्छा है, बहुत ही अच्छे से स्किन को क्लींस करता है और डेड स्किन सेल्स को निकाल देता है, थोड़ा बहुत वाइट हेड्स को भी निकालता है, आई डोंट थिंक कि ब्लैक हेड्स को निकालता है क्योंकि मेरा ज़्यादा ब्लैक हेड्स नहीं होता है, तो मैं ज़्यादा दावे से नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि वाइट हेड्स को तो ये डेफिनेटली थोड़ा बहुत निकाल देता है और स्किन को ड्राई नहीं फील कराता है। पर्सनली मेरा तो ड्राई स्किन नहीं है, आई हैव ऑयली स्किन, लेकिन फिर भी मैं कह सकती हूँ कि अगर आप ड्राई स्किन के हो ना तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप इस स्क्रब को यूज़ करते हो तो। मतलब कोई भी वेरिएंट यूज़ कर सकते हो, और नॉट ओनली दिस, क्योंकि सभी स्क्रब्स मैंने यूज़ किया है, 2-3 जो मेरे पास है, तो ऑल द स्क्रब्स आर रियली गुड, तो स्किन को एकदम भी ड्राई नहीं बनाता है। और अगर आप ड्राई स्किन के हो और थोड़ा बहुत ड्राइनेस आपको लग भी रहा है फेस वॉश करने के बाद, मतलब स्क्रब करके फेस वॉश करने के बाद, तो आप डेफिनेटली एक टोनर और मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो प्रोडक्ट है ये है 50 ग्राम का और ये रिटेल करता है 195 रुपीज़ का, और आप इसको डिस्काउंट में तो ले ही सकते हो क्योंकि गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स में हमेशा ही कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो चलता ही रहता है। तो मैंने ये इसको बाय वन गेट वन में लिया था शायद, तो मुझे काइंड ऑफ 50% ऑफ मिल गया था, तो विच इज़ रियली नाइस। और गुड वाइब्स का प्रोडक्ट्स में पैराबेन सल्फेट्स नहीं होता है और इसमें भी नहीं है, और ये क्रुएल्टी फ्री भी है, तो अगर आप इन चीज़ों को लेकर कंसर्न हो तो ये तो एक डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है आपके लिए। और गुड वाइब्स एक इंडियन ब्रांड है, इफ़ यू गाइज डोंट नो लेट मी टेल यू, और अगर एक इंडियन ब्रांड अच्छा कर रहा है तो आई थिंक दैट वी ऑल शुड सपोर्ट इट, और ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है इफ़ यू आर थिंकिंग सो।
बिकॉज मैंने ये खुद के पैसे से खरीदा है और मुझे ये बहुत बहुत अच्छा लगा है गाइज। आई रियली लव दिस फेस स्क्रब। और अगर आप पूछोगे ना कि मैं इसके बाद कौन सा स्क्रब खरीदना प्रेफर करूँगी, तो ऑब्वियसली दिस वन आई विल बाई, बिकॉज दिस इज सच अ ब्यूटिफुल स्क्रब। आई मीन ऑसम प्रोडक्ट गाइज, यू हैव टू ट्राई दिस फॉर वंस। और इसका दो तीन साइजेस और भी अवेलेबल है, तो मैंने ये 50 ग्राम का लिया था क्योंकि मुझे ट्राई करना था कि कैसा होता है कैसा नहीं। तो जब मैं इसको दोबारा खरीदूंगी तो डेफिनेटली इसका बड़ा वाला टब मैं लूंगी, क्योंकि ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसका पैकेजिंग गाइस बहुत ही अच्छा है, तो गुड वाइब्स का सभी पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसा ही स्टैंडर्ड पैकेजिंग में आता है। ये प्लास्टिक का टब है, ग्लास जैसा दिखता है लेकिन ग्लास नहीं है, प्लास्टिक का है। और ऐसा है गोल्डन कलर का आपको लीड मिल जाता है, और ये दूसरा ऐसा लीड मिल जाता है, और ये है प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हो ये हल्का सा ग्रीन कलर का है, मिंट ग्रीन कलर का, और इसमें ब्लैक बीट्स है। और ये बीट्स जो है ना ज़्यादा हर्श नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट वाला बीट्स है। तो एक्चुअली ये ब्लैक भी नहीं है, हल्का ब्राउन कलर का बीट्स है, तो बहुत ही सॉफ्ट वाला बीच से। तो ऐसा बहुत सारा स्क्रब्स मार्केट में अवेलेबल होता है जिनमें ज़्यादा बड़ा वाला एप्रिकॉट या वॉलनट शेल्स होता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन, स्पेशली इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन। तो अगर ज़्यादा बड़ा चांस होता है, मतलब ये जो स्क्रबिंग पार्टिकल से अगर ज़्यादा बड़ा होता है, तो आप जब स्क्रब करते हो उसको मैसेज करते हो अपने स्किन में, तो आपकी स्किन को हार्ट कर सकता है, कट दे सकता है। तो ऐसा छोटा या सॉफ्ट बीट्स होना आपके स्क्रब में बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली इफ़ यू आर यूजिंग इट ऑन योर फेस। और इसका जो स्मेल है ना गाइस, बहुत ही सुंदर है, मतलब वो नीम या तुलसी वाला फ्रेग्रेंस ही आता है। तो आपको कोई इशू नहीं होगा अगर आप फ्रेग्रेंस सेंसिटिव हो तो। बहुत ही अच्छा वाला स्मेल है गाइस, यू मस्ट स्मेल इट, सो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस इफ यू वांट। तो फ्रेग्रेंस से कोई इश्यू नहीं होगा, बहुत ही अच्छा वाला फ्रेग्रेंस है, सटल सा है, ओवरपावरिंग नहीं है। तो इसको यूज़ करने के लिए पहले आपको अपने फेस को वेट करना होगा, ड्राई फेस में आप कोई भी स्क्रब मत यूज़ करना गलती से भी। तो आपको वेट फेस में इसको यूज़ करना है, थोड़ा सा अमाउंट इसको अपने फिंगर्स में लीजिए और सर्कुलर मोशंस में और अपवर्ड मोशंस में आपको इसे मसाज करना है, और हल्के हाथों से, ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं यूज़ करना है अपने फेस पे, बिकॉज यू कैन हर्ट योर स्किन। तो अगर आप हल्के हाथों से मसाज करोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आफ्टर मसाजिंग इट फॉर फ्यू मिनट्स, आपको इसे नॉर्मल वाटर से या फिर ल्यूकवॉर्म वाटर से धोना है, तो दैट्स सिंपल इट इज़ टू यूज़। तो मैं तो इसे नॉर्मल पानी से ही धो देती हूँ, लेकिन आप अगर चाहो तो ल्यूकवॉर्म वाटर से इसको धो सकते हो, बिकॉज प्रोडक्ट डिटेल्स में वही लिखा हुआ है कि आपको इसको ल्यूकवॉर्म वाटर से धोना पड़ेगा। सो दिस प्रोडक्ट इज आइडियल फॉर रिमूविंग व्हाइट हेड्स, स्कार्स एंड डालनेस फ्रॉम योर फेस। एंड द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट्स आर मॉइस्चराइजिंग योर फेस एंड स्क्रीन ब्राइटनिंग, and also it increases the screen radiance, so it has a lots of benefits। और बहुत ही अच्छे से ये स्किन को एक्सफोलिएट कर देता है, which is really great। और guys ये बहुत ही thick वाला consistency में आता है, तो आप देख सकते हो ये बहुत ही thick creamy सा product है, और इसका texture आप देख सकते हो, और जो beads है वो काफ़ी soft और छोटा छोटा beads है। So I can highly recommend this product to you guys, and that is it for today। If you like this video and found this useful, don't forget to give this a big fat thumbs up and also subscribe to my channel if you haven't already, and click that bell notification button next to it, so whenever I upload a video you will get notified। And also comment down below and let me know what you think of my videos, and share this video with your friends if you think that this video is going to be useful for them also, and also follow me on Instagram, the link is in the description box below। And until next time, stay happy, stay safe and stay tuned। Bye bye guys।